अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आप तो भाई भी बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो मैं आप लोगों ने पीछे से मेरे व्यूज़ का अंदाज़ा लगा लिया होगा भाइयों के, मैं करके आ रहा हूँ, ठीक है। आज का व्लॉग तो आप लोगों को बिरयानी पे दिखेगा और मैं आज मम्मा के साथ मिलके बिरयानी बना रहा हूँ। और मुझे तो भाइयों आती नहीं है, ठीक है, बिरयानी बनाना, तो मैं मम्मा के साथ बनाऊंगा। मम्मा मुझे गाइड करेंगी किस तरीके से बनती है कैसे नहीं बनती है, ठीक है, क्योंकि मुझे तो भाई बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। हमारी जो बिरयानी है वो इन प्रोसेस है, ठीक है। और आप हमारे ब्लॉग में साथ साथ रहें, और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी भाइयों लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है और कमेंट्स करना है, ठीक है। और अभी हमारी बिरयानी भाई येरी इन प्रोसेस है, ठीक है, और इन प्रोसेस चल रही है और मम्मा मेहनत पे लगी हुई है और मैं मम्मा के साथ छोटी मोटी चुनी चुनी सी जो है ना थोड़ी थोड़ी मेहनत करने में लगा हुआ। क्योंकि साथ थोड़ा सा देना चाहिए, फैमिली को टाइम देना चाहिए, काम अपनी जगह भाई, फैमिली को टाइम अपनी जगह, फैमिली को। तो भाइयों आज बनने वाली वी 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 आई पी बिरयानी। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहा हूँ मैं, थोड़ा भून रहा हूँ, थोड़ा सा लहसुन ये अभी रेडी हो रहा है और ये भी चिकन मम्मा ऐड कर रही हैं इसके अंदर। फाइनली भाई हमारी जो चिकन है वो गोल्डन लाइट सी जो है ना गोल्डन हो गई है। तो मम्मा ने ये मसाले ये ऐड करने हैं, ठीक है। तो अब हमारा है जीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, सफ़ेद इलायची है और सब मसाले जो मग रही है और वो डाल दो। और अब मैंने ये डाल दिए, हाँ, टमाटर का पेस्ट, ठीक है, जो टमाटर का पेस्ट मैंने पहले से ही रेडी कर दिया था इसका, ये सारा टमाटर का पेस्ट के अंदर ऐड करना है। फाइनली कोरमा जो है हमारा वो बिल्कुल रेडी होने की तैयारी पर है, ठीक है, एंड प्रोसेस में चल रहा है और अभी मम्मा मिला रही हैं इसको, बस ये एंड प्रोसेस पर, फिर उसके बाद ये एक धनिया पुदीने की जो चटनी है, ठीक है, वो इसके अंदर ऐड होगी। ज़बरदस्त लग रहा है ना। तो और साथ ही साथ भाई आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को हर व्लॉग में खुश रहने का कहता रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि खुश रहना एक अच्छी आदत है, ठीक है। और सबसे मेन बात भाइयों, दूसरों की खुशी में खुश रहना वो सबसे बड़ी आदत है। तो यार दूसरों की खुशी में भी खुश होना सीखो भाई और अपनी खुशी में भी खुश होना सीखो। बस कुछ अल्फाज जो है ना वो आपको जो है वो दिल में उतरने के बजाय सीधा मैदे में उतर जाते हैं। और वो अल्फाज हैं क्या, वो पता है वो अल्फाज क्या हैं? एक तो है उसमें से बिरयानी शाही टिक्का और एक है मलाई बोटी। और तैयार हो गई हमारी लजीज 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 बिरयानी। और इस बिरयानी के साथ मैं आपको एक बात याद दिला दूँ कि ज़िंदगी की दौड़ में जो है ना अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखना है भाई, अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि कहीं ज़िंदगी की दौड़ में ऐसा ना हो कि आपका पेट निकल जाए आगे और आप रह जाएं पीछे। तो ज़िंदगी में लाजमी अपनी सेहत का यार ख्याल रखना है। और अब मैं करूँ बिरयानी को इन्जॉय, ठीक है। और आप लोग हमारे ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वो रेडी हो गई है और अब हम इसको निकाल लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसको निकाल रहा हूँ मैं अपने लिए और सबके लिए। तो अब मैं आप लोगों को टेस्ट करके दिखाता हूँ कि भाई हम लोगों ने जो इतनी मेहनत की है वो उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। अब मैं आपको टेस्ट करके इसका बताता हूँ कि टेस्ट करके कि आया कैसा है। इसी मोहब्बत के साथ, इसी खुश अखलाकी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा भाई, ठीक है, और मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इसी मोहब्बत के साथ अल्लाह हाफिज़।